गाइस, तो आज हम दीदी को छोड़ने जा रहे हैं हॉस्टल। तो कैसे लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं दीदी को छोड़ने जाने के लिए। देखो, हम दीदी को छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। ये दीदी आगे बैठी है। आगे बैठी है। मेरा बहुत मन उदास हो रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते ज्यादा उदास हो रहा था क्योंकि अचानक से जा रही थी, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि एक हफ्ता हो गया कॉलेज स्टार्ट है, तो सारे बच्चे आगे निकल के इतना सारा सिलेबस हो गया, तो फिर आज इतना नहीं हो रहा। आज मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने जा रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा पढ़ेगी। यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, इस ढाबे में रुके हैं, पापा भी हैं, बैठे हैं, खाना खाने आए हैं, पता नहीं कितने का बिल बिठा देंगे बच्चे। ये रोटी की दूर है कैमरा, खाने को ला रहे हैं। खाना आ चुका है, पापा भी गुस्सा रहे हैं खाना खाने। खाना तो टेस्टी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। दीदी का रहा पाँच रुपये खाना, दीदी बहुत खुश है खाने वाली। बस तो मास्क लगा तो दिया, गाड़ी में बैठ चुके हैं। दीदी के हॉस्टल पहुंच चुकी है, बड़ी हॉस्टल पहुंच चुकी है। ईगल्स हॉस्टल है और इसलिए हम यहाँ वेटिंग रूम में बैठे वेट कर रहे हैं। वो अपना सामान रखने अंदर गए, उसको छोड़ने आए हैं। हम बहुत उदास हो गए हैं, पर उसको नहीं कह सकते कि जब होगी हम उदास हैं, क्योंकि वो भी उदास हो जाएगी, तो हम बहुत उदास हैं। दीदी का छोड़ गए, अब दीदी पढ़ के अच्छी बेटी बन जाएगी। ये देखो चेतन ने अभी अपनी बहन से मिल रहे हैं, छोड़ के वापस आ गए हैं। हमारी गाड़ी भी खाली हो गई है, हमारा घर भी। घर आ चुके हैं, मम्मी को छोड़ चुकी है, देखो पानी पी लिया। मैं इस ब्लॉग को ये बयान करता हूँ, अगर हम मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।